वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 10th सर्कल जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। थ्योरम्स हैं कि कोई सर्कल है स्टूडेंट्स, उस सर्कल की कोई कोर्ड ए बी गिवन है, ठीक है, और ओ उसका सेंटर है और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या वो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले देखिए गिवन के अंदर, गिवन के अंदर हो जाएगा ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। इसके बाद टू प्रू, टू प्रू में क्या होगा स्टूडेंट्स, टू प्रू के अंदर है ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ये ओ बी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रूफ, प्रूफ के अंदर इंट्रेंगल ए ओ सी ये ज्वाइन कर दिया हमने, ओ एंड ओ बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए इसके अंदर ओ ए ओ बी के इक्वल होगी, ओ बी ओ ए के इक्वल, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बच्चे एक ही सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती है, मैंने आपको पहले बताया है। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारी कॉमन हो जाएगी स्टूडेंट्स, और वन इज इक्वल टू टू इज 90, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, रीजन हो जाएगा आर एच एस, आर एच एस हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक राइट एंगल लिया है, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। तो अब ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय सी टी सी टी, हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा के और इन पार्ट्स को इक्वल दिखा देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसका कन्वर्स जो गिवन है ना वो टू प्रू में आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी और आपको वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है स्टूडेंट्स। यानी कि कोर्ड यदि बाइसेक्ट करती है कोर्ड को ये परपेंडिकुलर, तो बताइए क्या वो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या ये इसके इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये थ्योरम हमने अभी पूरी की है, ठीक है। इसके अंदर देखना सबसे पहले गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी है, वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 90 हमें प्रूव करना है। वैसे ही कंस्ट्रक्शन ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कीजिए, फिर इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी ये हमारी कॉमन हो जाएगी। इसके बाद और क्या गिवन में ए सी इक्वल टू बी सी है, ये हमारा गिवन है, इसलिए ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी स्टूडेंट्स ट्रायंगल ओ बी सी के, ठीक है, बाय ट्रिपल एस, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब ये इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर स्टूडेंट्स। अब वन टू के इक्वल है हमने प्रूव कर दिया, तो अब इसके अंदर हम वन की जगह टू रख दें या टू की जगह वन, तो ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180 और एंगल वन इज इक्वल टू टू उधर जाकर डिवाइड में 90, यदि टू 90 तो वन भी 90 होगा क्योंकि वो हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है, टू थ्योरम्स इसके अंदर मतलब हमने कंप्लीट की है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसके अंदर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो उस क्या उसके अंदर से वन सर्कल ही मतलब ड्रॉ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी हमारे थ्री क्या हो जाएंगे, इसके अंदर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन में ना होते हैं ना उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स करते हैं, इनको पहले ज्वाइन कीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे,
आप ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे मोर देन आप खोल के, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कर रहे हैं उतना ही खुला रहेगा। बी को सेंटर लेकर ये, ठीक है, ये हमने पहला बाई सेक्टर कर दिया स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका भी बाई सेक्टर करेंगे तो ये मोर देन आप खोल के आर्क, फिर बी पे रखेंगे प्रकार और इस प्रकार से इसको भी ज्वाइन किया। जहां पर ये टकराते हैं ये सेंटर आ जाता है स्टूडेंट, जिसका नाम ओ रख दिया जाएगा। ओ पर सुई रखकर ए बी या सी जितना कितना भी खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी सेंटर भी हमने फाइंड कर दिया और सर्कल भी हमने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल यही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, उसके अंदर क्या है, कोई आर्क गिवन है स्टूडेंट्स, उस आर्क पे आर्क को कंप्लीट सर्कल कैसे बनाओगे आप, पहले उसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, बिल्कुल ऐसे ही है, 1 2 ए और सी दो पॉइंट है, बी हमने कोई बीच में ले दिया स्टूडेंट्स, इनको ज्वाइन कीजिए पहले, लास्ट क्वेश्चन की तरह ज्वाइन कर दिया। अब परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करना दोनों का, कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, ए पे सर्कल सुई रख के मोर देन आप खोल के और आर्क लगा दी, फिर बी पे रख के फिर आर्क लगा दी, ये आ जाएगा। सिमिलरली बी पे रख के इधर मोर देन आप खोल के और ये सी पे रख के ये, और फिर ये दोनों जहां भी काटती हो सेंटर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद इस पे सुई रख के और ए बी सी जितना कितना भी खोल के रेडियस लेके और इसको ड्रॉ कर दिया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।